हीरे के दर्शन करके परमात्मा रूपी हीरे को नमन करता हूँ। कबीर जी कहते हैं कि मायातीत परमेश्वर अलेख है, दुनिया हुशियार बेदार जगत मुसियत हौरे भाई, निगम हुशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाऊ, नीव भयो आव आव भयो नीवा केला पाका झार, नालियर फल सेवर पाका मूरख मुग्ध गवार, हर भायो खंड रेत महा बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई, कह कमीर कुल जात पात तज चीटी होई चुन खाई। हे भाई, दुनिया बेशक कितनी भी होशियार एवं सावधान है, मगर जागते हुए भी ठगी एवं लुटती जा रही है। वेद शास्त्र जैसे होशियार पहरेदारों के देखते हुए भी यम पकड़ कर ले जाता है। रहाऊ, मूर्ख गवार एवं विमूढ़ व्यक्ति को सिंबल का पेड़ नारियल का पका फल लगता है। वह नींबू को आम समझता है और आम को नींबू समझता है, उसे पका केला झाड़ी लगता है। अर्थात मूर्ख को कोई ज्ञान नहीं होता। ईश्वर रेत में बिखरी हुई चीनी के समान है, जो अहंकार रूपी हाथी बनकर चुगी नहीं जा सकती। कबीर जी कहते हैं कि यह चीनी कुछ जाति पाति को त्याग कर नम्रता रूपी चींटी बनकर ही खाई जा सकती है। वाणी नामदेव जीव की राम कली घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनी ले कागद काटी ले गुड़ी, आकाश मंधे भरमियले पंच जनासु बात बताऊआ, चित से डोरी राखियले मन राम नामा बंधियले, जैसे कनिक कला चित मंडियले। रहाऊ, आनी ले कुंभ भराईले उदक राज कुवार पुरदरिये, हसत विनोद विचार करती है चित से गागर राखियले, मंदर एक द्वार दस जाके गौ चरावण छाड़ियले, पांच कोस पर गौ चरावत चित से बछरा राखियले, कहत नाम देव सुनह तिलोचन बालक पालन पौड़ियले, अंतर बाहर काज विरुद्धि चित से बारीक राखियले, कागज को लाकर उसे काट कर लड़का उसकी पतंग बनाता है, फिर वह आकाश में उड़ती रहती है, वह अपने सज्जनों मित्रों से वार्तालाप भी करता रहता है, परंतु अपना चित पतंग की डोर में ही लगा कर रखता है। मेरा मन राम नाम में ऐसे बिंध गया है जैसे सुनार का मन स्वर्ण कला में लगा रहता है। रहाऊ, एक नव युवती शहर में से गागर लाकर उसे पानी से भर लेती है, वह अपनी सखियों के संग हस्ती विनोद करती एवं विचार विमर्श भी करती रहती है, पर वह अपना चित उस गागर में ही रखती है। यदि दस द्वारों वाले घर में से गाय को घास चरने के लिए भेज दिया जाए तो पांच कोस पर जाकर चरते हुए भी उसका चित अपने बछड़े में ही लगा रहता है। नामदेव जी कहते हैं कि हे त्रिलोचन, जरा सुनो, माँ अपने शिशु को झूले में लिटा देती है, किंतु अंदर बाहर घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी अपना चित शिशु में ही लगा कर रखती है। वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कवित न गावोंगो, अखंड मंडल निरंकार महानहद बैण बजावोंगो, विरागी रामह गावोंगो शब्द अतीत अनहद राता आकुल के घर जाऊंगो। रहाऊ, ईड़ा पिंगुला और सुख माना पौने बंध रहाऊंगो, चंद सूरज दुई सम कर राखऊ ब्रह्म ज्योत मिल जाऊंगो, तीर्थ देख ना जल मह पैसऊ जिया जंत ना सतावोंगो, 68 तीर्थ गुर दिखाए घट ही भीतर निहाऊंगो,
पंच सहाई जन की शोभा भलो भलो ना कहावोंगो नामा कहे चित हर सिउ राता सुन समाध समाऊंगो मैं वेद पुराण एवं शास्त्रों में लिखे अनंत गीत काव्यों का गुणगान नहीं करूंगा अपितु अखंड मंडल निरंकार में प्रवृत्त होकर अनाहत वीणा बजाता रहूंगा। मैं वैरागी बनकर राम का गुणगान करूंगा और शब्द की अतीत अनाहत ध्वनि में रत होकर परमात्मा के घर जाऊंगा। रहाऊ मैं इंदा पिंगला एवं सुषमणा में प्राण वायु को बांधे रखूंगा और चांद सूर्य दोनों को एक समान समझकर ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊंगा। तीर्थों के दर्शन करके स्नान करने के लिए जल में प्रवेश नहीं करूंगा और इस प्रकार जलचरों को नहीं सताऊंगा। गुरु ने 68 तीर्थ मुझे अंतर मन में ही दिखा दिए हैं और अब मैं हृदय में ही स्नान करूंगा। मैं दुनिया में शोभा सुनकर भी भला पुरुष नहीं कहलाऊंगा। नामदेव कहते हैं कि मेरा मन परमात्मा में लीन रहकर शून्य समाधि में समा जाएगा। माई ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किस ही केरा जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाऊ चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया सासत ना होता वेद ना होता कर्म कहां ते आया खेचर भूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा प्रणवे परम तत्त है सतगुर होई लखाया। जब ना कोई माता थी ना पिता था ना कोई कर्म एवं शरीर था हम भी नहीं थे तुम भी नहीं थे तब कौन कहां से आया था। हे राम कोई किसी का साथी नहीं है जैसे पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा है वैसे ही यह जगत प्रसार है। रहाऊ जब चांद एवं सूर्य भी नहीं था तब पवन एवं पानी को परमेश्वर ने स्वयं में मिलाया हुआ था। जब कोई शास्त्र एवं वेदों का भी जन्म नहीं हुआ था तब कर्म कहां से आ गया। गुरु की कृपा से खैचरी भूचरी मुद्राएं एवं तुलसी माला प्राप्त हो गई है। नामदेव विनती करते हैं कि परम तत्व परमेश्वर ही जगत की उत्पत्ति का कारण है और उसने स्वयं ही सतगुरु के रूप में भेद समझाया है। रामकली घर दूसरा बनारसी तप करे उलट तीर्थ मरे अगन दहे काया कल्प कीजे अशुमेध जग कीजे सोना गर्भदान दीजे राम नाम सर तौ ना पूजे छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित नित लीजे। रहाऊ गंगा जाओ गोदावर जाइए कुंभ जाओ केदार नहाइए गोमती सहस गौदान कीजे कोट जाओ तीर्थ करे तन जाओ हिवाले गारे राम नाम सर तौ ना पूजे अस दान गज दान सिहजा नारी भूम दान ऐसो दान नित नित कीजे आत्म जौ निर्माइल कीजे आप बराबर कंचन दीजे राम नाम सर तौ ना पूजे मनह ना कीजे रोस जमह ना दीजे दोष निर्मल निर्वाण पद चिन्ह लीजे जस रथ राई नद राजा मेरा राम चंद प्रणवे नामा तत रस अमृत पीजे। यदि कोई व्यक्ति बनारस में उल्टा लटक कर तपस्या करे किसी तीर्थ पर मृत्यु की अभिलाषा करे अपने शरीर को अग्नि में दहन करे काया कल्प करे अश्वमेध यज्ञ करे स्वर्ण का गुप्त दान करे तो भी ये सभी कर्म राम नाम के बराबर नहीं पहुँचते। हे पाखंडी इन सभी पाखंडों को छोड़ दे और कपट मत कर तुझे तो नित्य हरि का नाम स्मरण करना चाहिए।
रहाऊ।